आज असी श्रोमणी अकाली दल की डेलीगेशन पंजाब दे ऑनरेबल गवर्नर साहब नूं मिली, उन्हां नूं रिक्वेस्ट करन वास्ते कि पिछले दिन 23 नवंबर नूं गुरद्वारा अकाल बुंगा साहिब सुल्तानपुर लोधी सवेरे 4 बजे पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान दे हुक्म ते पुलिस नूं वाड़िया गया। पुलिस गुरद्वारा साहिब जुत्ते लैके गोलियां चला के भगवंत मान दे एक साथी नूं कब्जा दवाना चाहुंदी सी। खालसा पंथ की एक मर्यादा है, किसी गुरु घर विच अज तक पुलिस दाखिल नहीं हुई। एक तो पहले एक बार हुई जो दरबार साहब ते इंदिरा गांधी ने हमला किया टैंकां तोपां नाल। अज तक सिख कौम ने उस परिवार को माफ नहीं किया। दूजा हमला हुण आ भगवंत मान ने किया। मैं अफसरां नूं पुछिया कि तुसी एडा वड्डा पाप क्यों किया, एडी वड्डी बेअदबी क्यों की। उन्होंने मैनू कहा कि सानू रात नू मुख्यमंत्री का आप फोन आया, मुख्यमंत्री ने आदेश दिते कि मैनू सवेरे 6 बजे तो पहले मेरे अपना जिहड़ा साथी है उन्हों का ओदा कब्जा कराओ गुरु घर के उत्ते, भावें कुछ मर्जी करना पे। ते तुसी जानदे हो कि उस एकदम पुलिस आई तो सारा असला लैके उन्होंने हमला मार दिता। एक बंदे दी जान भी गई। मैं पूछना चाहना है पंजाब दे मुख्यमंत्री नूं काली की सी, कि उत्थे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, कोई उत्थे कोई दंगा फसाद हो रहा सी, पर क्योंकि उन्होंने अपने बंदे नूं कब्जा दवाना है। तो इस करके आ सिख कौम विच बहुत वड्डा रोस है, आ एक बहुत वड्डी बेअदबी होई है जिहदा सिख कौम इंसाफ चाहुंदी है। मैं बड़ा हैरान रहा कि जदों पता लग्या कि पंजाब दे मुख्यमंत्री ने एक SIT बनाती है। SIT किहदी? ओही SSP जिन्हें हमला किया, जो हमला कराया गया ओदी अगवाई थले SIT। किड्डी वड्डी होर मजाक, किड्डा वड्डा होर मजाक इस मुख्यमंत्री ने किया है। असी ऑनरेबल गवर्नर साहब नूं बेनती करना आए हैं कि पंजाब की जनता सिख खालसा पंथ चाहुंदा है कि CBI दे थले इंक्वायरी की जाए, ते जिहड़े दोषी है जिहड़े मुख्यमंत्री है ते उहदी जिहड़ी फोर्स जिहड़ी गई है उहनां ते धार्मिक उलंघना करन ते सिख सेंटीमेंट्स हर्ट करन ते 307 मर्डर करन ते परचे रजिस्टर किए जान। असी ऑनरेबल गवर्नर साहब को अज कह के गए। एक सरकार के पास पैसा है नहीं। कल मजीठिया साहब ने ट्वीट किया कि जालंधर में एक प्रोग्राम किया गया कल्चरल प्रोग्राम के नाम पे, उसको इतना बड़ा इवेंट सीएम ने बना दिया, 81 लाख रुपया खर्च हुआ है वहाँ पे। देखो जी हालात अज पंजाब की है, कल मेरे को एक इंडस्ट्रियलिस्ट आया, वो कह लगे जी रात को मैं चल रहा सी, मेरी गड्डी नूं घेरिया गया गैंगस्टरां तों, ते मैं मसा बच के निकलिया। मैनू जलंधर दी इंडस्ट्री मिली, सानू रोज़ टेलीफोन आ रहे हैं एक्सटॉर्शन दे। असी पुलिस कमिश्नर कोले जाने हैं, असी SSPs कोले जाने हैं, और SSP कुछ कर नहीं रहे। एक SSP है, उन्हें तो अपने वो बंदियां नूं कहा कि तुसी आप ही फैसला समझौता कर लो। जे SSP कहन लग गए कि असी कुछ कर नहीं सकते, तुसी आप ही दे लेके खत्म कर लो, ये तो माड़ी हालात की हो सकती है। आज बड़ा दुख ना कहना पैंदा है कि जो हालात पंजाब नंग रहा है, एक नलायक निकम्मा शराबी मुख्यमंत्री आपां नूं मिल गया है। अच्छा वड्डी गल मैं अज होर भी कहना चाहना, जो फैसले होंदे है रात नूं परचे करन ते अटैक करन ते, ओह मुख्यमंत्री रात नूं पी लैंदा शराब,
जो शराब पी जाता है वह समझ लग जाता कि मैं बादशाह हाँ, कुछ मर्जी कर सकता, मैं कानून तो ही बटा है। मैं सारे पुलिस अफसर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर मैं दस रहे थे कि असी तंग आ गए हैं, क्योंकि रात को सानू हुक्म है जे मारता है सानू, फिर जे ना असी कही सुजैसट करना चाहिए तो सानू कहना डिसमिस कर दूंगा, मैं सस्पेंड कर दूंगा। कोई ऐसा मुख्यमंत्री हथ आपा पंजाब की सारी स्टेट दे दी, बॉर्डर स्टेट है। मैं लगता लोग हूँ अफसर सारे चाह रहे हैं कि सानू सेंटर डेपुटेशन से भेजा जाए, आ हालात बन गई है। तो इस करके असी गवर्नर साहब नूं आई अपील की है कि जे पंजाब नूं बचाउणा है तो आ सरकार के उत्ते सेंटर सरकार या पंजाब के गवर्नर साहब आज पूरा स्ट्रिक्ट नोटिस लैके कोई ना कोई हल करन, नहीं तो पंजाब विच इंडस्ट्री भज जानी है, किसान भी दुखी है। मैं लगता कोई व्यापारी नहीं आना, तो पंजाब विच तुसीं देखोगे एक क्राइसिस का माहौल बन जाना, जै जी हालात ने बना दी है। असी उन्होंने फोटोग्राफ दतिया राजपाल नूं, असी ऑनरेबल गवर्नर साहब नूं असी फोटोग्राफ दतिया जुत्ते पा के। मेरे को वीडियो है, आ देखो मैं दिखाना चाहना है किमें एक पुलिस मुलाजम AK-47 लैके जुत्ते पाया गुरु घर के गोलियां चला रहा है। थोनू गोलियां की आवाज भी थोनू असी सुना दें, गुरु घर च सिख कौम की मर्यादा है, पुलिस वड़ ही नहीं सकती। आ जो कोई समस्या आती है साड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को केस जाता है, या किसी भी कोई समस्या गुरु घर आती है श्री अकाल तख्त साहब नूं रैफर किया जाता है तो वह फैसला लेंदे है। अज तक पुलिस या होर एडमिनिस्ट्रेशन कब्जा लैन वास्ते तो अलाउड ही नहीं है, साडे धर्म विच अलाउड नहीं है। मैं दूजी वड्डी होर गल कहना चाहना, जिहड़े प्रेस रिपोर्टर ने वो सारी लाइव कवर की, जिहड़े सारे दोका पूरे दुनिया दिखाया जिस प्रेस रिपोर्टर नूं, उत्थों उसी पुलिस ने उहदी लत्तां भी तोड़तियां, बाहवां भी तोड़तियां। तो मैं मीडिया नूं कहना चाहना घट तो घट आपां सारे इकट्ठे होकर घट तो घट अपने साथी दी आवाज़ चक्को। मैं सारे थोड़े राही मैं सारे मालकां नूं कहना चाहना, करोड़ां रुपये जिहड़े ग्रां अपने एडवर्टीजमेंट दे आदे है उहनूं एक पासे कर लो, पंजाब नूं बचा लो, पंजाब की डेमोक्रेसी नूं बचा लो, क्योंकि आ भगवंत मान ने तो 3 साल बाद रहना नहीं है। पर ऐ जी हालात जे बिगड़ गई, जे पंजाब विच ऐ जी हालात बन गई, बचाना औखा हो गया, तो ये मीडिया भी अपना रोल सही मने तो हुण अपना रोल समझे। तो जो मीडिया का रोल हुंदा है मैं बेनती करदा, क्योंकि डेमोक्रेसी का बहुत वड्डा हिस्सा मीडिया है, मीडिया के बगैर कुछ चीज़ नहीं डेमोक्रेसी विच। तुसी आवाज़ हो सी श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ने SGPC नूं कहा इहदी इंक्वायरी की जाए, SGPC की कमेटी बन गई है, मैं लगता जल्दी रिपोर्ट देगी एग्जैक्ट सारी चीज़ स्पष्ट खालसा पंथ के सामने रखी जाऊगी। तो इस करके पर जिहड़ी वड्डी गल है पंजाब पुलिस नूं रात नूं जाण दी लोड़ की है, उस अपने दोस्त खातर जिन्हों उत्थे कब्जा दवाउणा है उहदे खातर। मैं उही पुछना चाहुंदा है दादूवाल साहब नूं, मंड साहब नूं, सार सिमरजीत सिंह मान साहब नूं, ते जिहड़े हैगे दूजे पंत प्रीत जी नूं, ते होर सारे जिन्ने हैं चुप क्यों है? असी पहले ही कहा सी आ एजेंसियां दे बंदे है, सरकार दे हथ चढ़े है। पिछली बार उन्हां दा निशाना है खालसा पंथ दी सरकार नूं बदनाम करना, ते हुण जदों बेअदबियां हो रही पटियाले बेअदबी है कोई नहीं बोलिया, पिछले तकरीबन 6 महीने के अंदर 10-11 जगह पर बेअदबी हुई, एक आवाज़ नहीं आई इन्हों तो।
एक दिन उत्थे धरना देन आवाज चक्कर भी नहीं आए ते खालसा पंथ सारा नूं हुण पछाण रहा है। मैं बेनती करना खालसा पंथ नूं कि देखो वो लोग जिन्हां ने अपने कौम दे उत्ते कौम दी सरकार नूं बदनाम करके उन्हां दे उत्ते अपने सरकार लाई ओही लोग हुण चुप क्यों है आ सवाल उन्होंने पूछना चाहिए। सर गन्ने के रेट पे, सर गन्ने का रेट 11 रुपए बढ़ाया सर।